मैं ये सोचती हूं कि बिहार को क्या दे पाऊं या बिहार में क्या बदलाव ला पाऊं, इसी मंशा से मैं सर से जुड़ी हूं। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस आज से मेरा सफर यहाँ से शुरू होता है। पिछले 15 महीने से मैंने प्रशांत सर को देखा है, वो अग्रसर हैं और पद यात्रा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो शिक्षित हैं और समाज के लिए, यूथ के लिए, हर किसी के लिए वो एक समान सोच रखते हैं। सो मेरा ऐसा बिलीव है कि एक युवा होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते, मैं भी कुछ इनिशिएट कर पाऊँ या अपने तरफ से कुछ इस पहल में मैं भी कुछ सम्मिलित रूप में दे पाऊँ समाज को, वो एक मंशा है। और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस आज से मेरा सफर यहाँ से शुरू होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बात थी तो कई ऐसी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेकिन आपने जन स्वराज को ही चुना। जन स्वराज पार्टी नहीं है सर। पार्टी, अगर पार्टी से जुड़ना होता तो बीजेपी में या अदर पार्टियों में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत घरेलू संबंध है, बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं, और बीजेपी में हमारे सीनियर्स भी हैं इंडस्ट्री से, जिनसे मैं कल के कल बोलती तो लोग मेरी मदद करते ही। मेरी मंशा वो नहीं है कि मैं किसी पार्टी से जुड़कर एक एमपी या कुछ बन जाऊं। मैं ये सोचती हूं कि बिहार को क्या दे पाऊं या बिहार में क्या बदलाव ला पाऊं, इसी मंशा से मैं सर से जुड़ी हूँ, प्रशांत सर से। और उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ समय में कुछ तो बदलाव नजर आएगा। 24 का इलेक्शन पास है, कुछ ही टाइम बचे हुए हैं। आपकी फोटो भी वायरल थी इंटरनेट पर नितिन गडकरी के साथ। जी, उम्मीद थी कि बीजेपी में आप जाएंगे, कल लेकिन मेरा शो था वन इन अ नागपुर सडन में। आप यहाँ पर आती जी हैं, जन स्वराज ज्वाइन करती है। जी ये टर्न ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहा? टर्न ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मेरा व्यवहार या मेरा रिलेशन सबों से बहुत अच्छा है और सब मुझे बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, मैं एक अभियान से जुड़ी हूँ जहाँ हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा शिक्षित बिहार दिखने वाला है। लोगों की सोच बदली हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले जब से मैं पली बड़ी हूँ, ऐसा लगता है कि हमेशा से मैंने देखा है कि जात पात धर्म कुरीतियां वो सब देखते पली बड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन चीजों से निकलना चाहिए, और वो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं प्रशांत सर। और मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ मैं, और भी युवा वर्ग जितने जुड़ेंगे शायद हमारे बिहार को सुधार पाएंगे। नीतीश और तेजस्वी की सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले 18 दोनों ही19 सालों मेरे अति से प्रिय हैं, तो मैं दोनों पे क्या ही टिप्पणी करूंगी, कुछ कहना नहीं चाहती। सब मेरे प्रिय हैं और किसी पार्टी विशेष पर ध्यान देके मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती। सब की घर की हूं मैं, बिहार की बेटी हूं मैं। चुनाव लड़ेंगी आप लोकसभा? यू नेवर नो, अभी फिलहाल कोई भी प्लानिंग नहीं है कि मैं लोकसभा लड़ूं, बट ये अभियान में जरूर जुड़ी हूं और अग्रसर रहूंगी। पार्टी कही या मन किया कर लड़ने का, तो कहां से लड़ना चाहेंगे? पटना से, आरा से, अभी खमोली लड़ना ही से, नहीं चाहेंगे तो उत्तर काहे प्रदेश के लिए से, नहीं तो लड़वाना चाहते हिमाचल हैं आप से? हमको यार? अभी फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, तो उस बारे में वादा करके कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट मोदी जी हम बनना चाहते हैं। यानी थैंक यू। एक्टर कम पॉलिटिशियन रहेंगी या फिर अब फुल यू टाइम नेवर नो। पॉलिटिशियन अब रहेंगी? क्योंकि सी कई हमने पास में देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, एक टाइम के बाद छोड़ के चले जाते हैं। सर, ये दोनों काम मैं करना चाहती हूँ, और एंटरटेनमेंट फील्ड में भी मेरा रुझान शुरू से रहा है, उसको भी बैलेंस करके चलूंगी। फिलहाल पॉलिटिकली अगर पूछा जाए तो मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, अभी जस्ट मैंने बताया, एक अभियान से जुड़ी हूँ। समाज को जितना ज्यादा मैं दे पाऊँ उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा।